नमस्कार साथी, स्वागत है आपका एवी सक्सेस आईक्यू कैमर। और कुछ साथियों के प्रश्न थे सर कि कैनरा बैंक का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेल कब तक आने की संभावना है, तो मैं आपको बता दूं, पूर्व में जो भी कैनरा बैंक के अंदर हमारे साथ के अधिकारी लगे हुए हैं और जो सीनियर्स हैं वो लगे हुए हैं, उनके साथ बात करने के बाद में HR डिपार्टमेंट जो है कैनरा बैंक का, उनसे बात करने के बाद में जो चीज़ हमें जानकारी मिली है, तो मैं आपको साथ में सोचा कि आपके साथ में शेयर कर दूँ आपके मन में जो, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग तक जो मन के अंदर एक असंतुष्टि बनी रहती है, मैं समझता हूँ वो आप लोगों के मन में कितना कुछ परेशानी होती है, कब ज्वाइनिंग आएगी, कहाँ मिलेगी पोस्टिंग, कैसे मिलेगी कैसे नहीं, तो बहुत सारे सवाल मन में होते हैं। ठीक है, एक तरफ खुशी भी होती है, दूसरी तरफ परेशानियाँ भी होती है कि पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, किस जगह पे मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक सस्पेंस रहता है मन के अंदर। तो ये सस्पेंस आपको अब नहीं रखना है, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आप अपनी सिलेक्शन की खुशी को परिवार के साथ बांटिए, अच्छे से रहिए, लोगों के साथ जितना टाइम स्पेंड करना है आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये भली भांति जानते हैं कि जब बैंक ने ज्वाइनिंग दे दी तो उसके बाद में आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप लोग किसी के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ या किसी दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो आपका ये, हम मैं ये कह सकता हूँ, एक जो है गोल्डन टाइम है, एक सुनहरा समय है आपके पास कि आप किसी भी प्रकार से परेशानियों से मुक्त है, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपके अंदर वो खुशी है, आप उस खुशी का इजहार कीजिए, जहाँ आपको घूमना है आपके रिश्तेदारों में परिवार में वहाँ घूम के आइए। और जो दोस्तों टीवी की मेल की बात करते हैं, वो आपका कभी भी जारी हो सकता है, कभी किसी समय ही टीवी जो कैनरा बैंक क्लर्क और जो पीओ है उनका टीवी मेल कभी भी आ सकता है, जो HR डिपार्टमेंट से बात होने के बाद बोला गया है कि जो, क्योंकि अब की बार इनको पता है कि हो सकता है 10 सितंबर के अंदर कोरोना का जो थर्ड वेव आ जाए, उससे पहले पहले वो ये सोच रहे हैं कि हमें पोस्टिंग दे देनी है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट कोरोना के वेव को देखते हुए अभी जो सभी बैंक है वो पोस्टिंग को लेकर के और ज्वाइनिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा तेज प्रोसेस से काम करें, फर्स्ट प्रोसेस से काम करें, ताकि एम्प्लॉय को वो अपने जो है अंडर में ले लें और अगर जो सिचुएशन आई उससे निपट सके। तो आप लोगों को ऐसे है अपने मेल पे अपडेट रहना है, और जो भी आपको काम करने हैं आप डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर तैयार रखें, डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई चीज़ को जो कमी है आप वो कमी को दूर करें, और जो विथ होल्ड के अंदर है स्टूडेंट्स वो भी ध्यान करें कि क्या डॉक्यूमेंट आपने कभी छोड़ी थी, उस वजह से आप विथ होल्ड में लिस्ट में रखा है, तो आप वो डॉक्यूमेंट पूरे करें, अपने जितने भी मार्कशीट है सर्टिफिकेट है उनको अच्छे से जांचा के अच्छे से जमा करके तैयार कर लें, ताकि आपको जब भी DB का मेल आए तो आप लोगों को परेशानी ना हो, आपको हड़बड़ाहट ना हो। उसके बाद में आपका जो बचेगा वो फिर मेडिकल ही बचेगा, आपको मेडिकल करवाना होगा या आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, सेम केवल वो बचेगा, जो दोनों ही आपके लिए बहुत ईजी प्रोसेस होगी। अगर आपको पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, अदर कोई भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को मैं पूरे तरीके से रिप्लाई दे पाऊँ, आपको संतुष्ट कर पाऊँ। और जैसे ही दोस्तों आपके पास किसी भी मेरे सब्सक्राइबर के पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई मेल आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और हो सकता है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिला दूँ, और व्हाट्सएप नंबर दिलाया जाता था आप उसके ऊपर भी आप मेरे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके पास कई बार किसी सब्सक्राइबर के पास पहले इन्फॉर्मेशन आ जाए, किसी के पास पहले मेल आ जाता है, तो आप लोग अपना जो अपडेट है हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।